धीरे धीरे बच्चा, अगर सुंदा माता आ रहे हो दर्शन करने, इस जगह की जरूर से विजिट लेना। बच्चे बहुत मजा कर रहे हैं, बहुत भव्य जगह पे मंदिर है। हम सब पहुंच गए हैं सुंदा माता मंदिर, जो राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो हम लोग घर से सुबह में 6 बजे निकले थे और लगभग 12:30 के आसपास हुआ है। मैं चंद्रकांत आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्णा। अब हम लोग जा रहे हैं उस तरफ, ऊपर जाने के लिए रोपवे ऑप्शन है, तो देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ है, उसके हिसाब से सोचते हैं बाकी ऊपर चढ़ के चले जाएँगे। ये पीछे की ओर पार्किंग और यहाँ पे सुंदा माता विश्राम गृह है और बहुत सारा बाजार है, एज वेल एज यहाँ पे बहुत सारे चनी बोर मिल रहे थे, रास्ते में से लिया था। भाई चढ़ने के लिए कितने पगती है? 600। हाँ सर, 600 यानी बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं है। ऊपर रोपवे से जा सकते हैं एज वेल एज स्टेप से। एग्जैक्ट स्टेप नहीं पता था, तो मैंने यहाँ पे एक कैमरा वाले भाई साहब थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि 600 के आसपास स्टेप्स है। तो सोच रहे हैं कि चल के ऊपर चले जाते हैं, रोपवे का टिकट भी आगे मिल जाएगा। देखते हैं पहले भीड़ भाड़ कितनी है, उसके बाद डिसाइड करते हैं। पार्किंग से थोड़ा ही चल के आते हैं ये मुख्य गेट, और उस गेट से बस एंटर हुए और अभी चढ़ाई स्टार्ट हो गई। हम उस जगह पे आ चुके हैं कि जहाँ पे रोपवे में अगर जाना है तो रोपवे का टिकट विंडो है। टिकट का दर यहाँ पे अप डाउन का यानी ऊपर और नीचे आने का 135 है, और अगर ओनली ऊपर की साइड चलना है तो 110 रुपीज़ है। फिलहाल हम लोग चल के ऊपर जा रहे हैं। कृष्ण गिनना चढ़ के आया है, तो ये 600 पगती है तो क्या है ना। क्या हुआ मंकी? थोड़े बहुत ऊपर आए, ये 2 पर्वत है और उस बिटवीन में सीढ़ियाँ बनी हुई है और साथ साथ में रोपवे भी चल रही है, बीच में नीचे की ओर पानी चल रहा है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि पूरे सीढ़ियों में ऊपर शेड बना हुआ है, तो धूप का भी इश्यू नहीं। रियल में सुपर, बहुत ही अच्छा है। चिड़ियों के आसपास छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं, प्रसादी चिपड़ वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। कितने में दिया छोटे? 20 रुपये।
क्या हुआ कृष्ण? ले लिया ना। तो कृष्ण का नाश्ता कपिराज ने ले लिया। बहुत सारे मंकीज है तो कृष्ण खाते खाते चल रहा था तो आ गया है ना बेटू। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पेड़ पे देखो कितने सारे। चला जा। चलते चलते उस जगह पे पहुंच गए हैं। ऊपर की साइड दूध जैसा है तो ऊपर जाके पता लगेगा कि वो पानी किस तरफ से आ रहा है। फिलहाल ये जगह बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही अच्छी है। चलो बेटा मैं आ गया। चल हाथ पकड़ दे। देखते हैं बेटा अभी कितना आगे चलना। मोस्टली सीढ़ियों के ऊपर शेड बना हुआ है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, 600 के आस। तो बस रोपवे का फर्स्ट स्टेशन वाली जगह पे हम पहुँचने आए। मोस्टली अपर वाले एरिया में पहुँच ही गए हैं। हमारे लिए भी ये जगह नई है तो ये रोपवे का अपर स्टेशन। आगे चलते हैं, मंदिर किस तरफ है देखते हैं और आपको दिखाते हैं। प्रसादी वर्षादी आगे से लेंगे, मिल जाएगा होप सो। ऊपर के एरिया में आ गए। जैसे ऊपर आते हैं यानी रोप वे भी पीछे की ओर छोड़ते हैं, उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्लेन एरिया है और आसपास बहुत सारी शॉप बनी हुई है। और इस तरफ बहुत सारी धर्मशाला है, अलग अलग समाज के हिसाब से बहुत सारी बनी हुई है। तो अगर यहाँ पे हम रुकने का सोच सकते हैं रुक सकते हैं। बस फाइनली मंदिर में ऊपर जाना है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। यानी मंदिर में ऊपर जाने का रास्ता है ऐसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अभी मंदिर में चलते हैं। अगर रोपवे से भी आते हैं या नीचे से चल के आते हैं तो यहाँ तक आ जाते हैं। उसके बाद ये एंट्रेंस इस तरफ से मंदिर के अंदर चलना है। ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं। दोस्तों जय माता दी। सुंदा माता का ये मंदिर राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और माउंट आबू रोड से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे बाय रोड आसानी से पहुँच सकते हैं। ये मंदिर अरवली की पहाड़ियों में सुंदा पर्वत पे स्थित होने की वजह से सुंदा माता से मशहूर है। वास्तव में यहाँ पे श्री चामुंडा माता जी विराजमान है। लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित सफ़ेद रंग के संगमरमर पत्थर से बना ये मंदिर बेहद ही भव्य और सुंदर है। सुंदा माता जी का मंदिर लगभग 900 वर्ष के करीब पुराना है। मंदिर के गर्भगृह में बड़ी सी पत्थर की चट्टान के नीचे श्री चामुंडा माता जी विराजमान है। माता जी का ये स्वरूप अघटेश्वरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ दृढ़ रहित देवी होता है। गर्भगृह में माता जी का ये देव स्वरूप विराजमान है, साथ में ये अलग अलग स्वरूप के आपको दर्शन होंगे। गर्भगृह के दूसरे खंड में माता जी के सामने की ओर देवों के देव शिव जी विराजमान हैं। यहाँ पे दर्शन करके बहुत ही शांति की अनुभूति होती है। अगर आपको माता जी के लाइव दर्शन करने हैं तो मंदिर की वेबसाइट sundamata.in पर जाके कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। वीडियो में बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। धन्यवाद। बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत भव्य जगह पे मंदिर है और बस एंट्रेंस अलग है और एग्जिट अलग है। तो हम नीचे की ओर आ चुके और यहाँ कैंपस में एक खास चीज़ है, मैं दिखाता हूँ। Thank you.
यहाँ पे जोत जल रही है और कंटिन्यूस जल रही है, और पीछे की ओर स्तंभ है, त्रिशूल है बहुत बड़ा सा, और बहुत ही भव्य मंदिर है। बहुत ही अच्छी जगह पे मंदिर है, नेचुरल जगह पे, कुदरती सौंदर्य से भरपूर है। इस ओर से अंदर गए और उस तरफ से बाहर आ जाना है, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मंदिर के सामने की ओर ही बहुत सारी धर्मशाला है अलग अलग समाज की, सामने की ओर प्रजापति समाज की है, सोनी समाज की। तो ये पूरे रास्ते में जब ऊपर पहुंचते हैं तब, तो यहाँ पे अगर रुकना है तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ से पीछे की ओर चलते हैं तो डेजर्ट जैसा है, तो किशन बोल रहा है कि वहाँ पे एटलीस्ट विजिट करना है। बहुत ऊपर तक चलना है तो वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। अभी थोड़े बहुत किशन को वहाँ उस तरफ लेके चलते हैं। इस एरिया से हम जिस तरफ जा रहे हैं यानी उस तरफ, तो जो डेजर्ट है यानी मिट्टी वाला पार्ट, रन 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 Krishan, you are strong. Yeah? You are very strong, yeah. मैं खासूटी का पूरी वेज ही। कैसा है, गर्म मिट्टी है या ठंडी है? इतनी भी गर्म नहीं है। हाथ लगाती हूँ थोड़ी देर, मैं डरती हूँ। मेरे तो शूज में घुस ही जाएगी, क्या करें? क्या? कितना चलना है ऊपर? थोड़ा बहुत चलते हैं। जो मंदिर से मैं बता रहा था कि पीछे की ओर डेजर्ट जैसा है, तो एक्चुअली ये मिट्टी है, खेल सकते हैं, तो नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं। चंपल निकल, चंपल निकल के चलो। नो क्यों? सच में चलो ना ऐसे ही, क्यों? हाथ में ले ले चल। तो रेखा नीचे बैठ गई और कृष्ण को ऊपर आना ही था, तो कृष्ण ऊपर दौड़ रहा है, देखते हैं कहां तक ऊपर चलते हैं। चल फटाफट ऊपर जाते हैं। और हाँ और क्या, नहीं जा पाएंगे? हाँ ठीक है, मेरे लिए तो रुक। चलो 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 गो। देखो मैं कितनी देर में पहुंच जाती। अच्छा ओ, खड़ी हो जाओ बेटा, धीरे धीरे धीरे। क्या हुआ? बच्चे देखो दौड़ के आ रहे। ओ मैं रिटर्न में तो रन करके उतर जाऊंगा। मैं भी सोच रहा हूँ। अरे लो इसका, एक एक मिनट, धीरे 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 बोलो। कृष्ण रुकना, ये सचमुच अच्छी जगह है, डम है तो आ जाओ। कृष्णांग में बहुत दम है, आधे तक ऊपर आ ही गया है और बोल रहा है मुझे ऊपर चलना है, और बच्चे बहुत मजा कर रहे हैं। हाँ सैंडी डेजर्ट बोल ही सकते हैं, तो सैंड है, रेत है, गिरेंगे तो भी नहीं लगेगा, तो अच्छा है बच्चों के खेलने के लिए, बहुत अच्छा। इसका मज़ा और आता अगर शाम के टाइम में या तो मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे होते, गर्मी नहीं लगती ना। दम लगाते भाई, दम लगाते। आजा बेटू। धीरे धीरे बच्चा, कृषि स्लो। अगर सुंदा माता आ रहे हो दर्शन करने, तो दर्शन करने के बाद इस जगह की ज़रूर से विजिट लेना। सचमुच बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को, कृष्ण को सचमुच बहुत ही मज़ा आया, वो दौड़ के कितनी बार नीचे आया, तो
बस फाइनली हम लोग नीचे आ गए, आधे तक ऊपर गए, ऊपर एंड तक जा सकते हैं, ऊपर थोड़ी बहुत शॉप है, स्टॉल है, और ये नीचे की और कैमल राइड अवेलेबल है, कर सकते हैं। और जो नीचे स्टेप है, साइड में जो पानी बह रहा है, तो नेचुरल वाटर यहाँ से आ रहा है। बहुत अच्छी जगह है, सचमुच बहुत अच्छी जगह है, विजिट करके बहुत मज़ा आया। चलो बेटा, चलो 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 चलो, पीछे की ओर चामुंडा माता जी ट्रस्ट की ओर से भोजनालय है, तो जस्ट 10 रुपीज़ में यहाँ पे खाना मिल जाता है। सुबह में 10 से 2 बजे तक खाना यानी भोजन मिल जाएगा, और शाम को 8 से 10 बजे तक भोजन मिल जाएगा। तो अगर वो टाइम पे आए हैं तो प्रसाद लिया जा सकता है। पीछे जो सैंडी डेजर्ट है, तो वहाँ आधे तक ऊपर गए और कृषांग ने बहुत मज़ा किया, तो सचमुच हम लोगों की ये विज़िट बहुत ही अच्छी रही। और बस नीचे चल रहे हैं, रेखा और कृषांग आगे आगे चल रहे हैं, बहुत सारी शॉप्स है, तो देखते देखते चल रहे हैं, जो भी पसंद आ रहा है वो ले रहे हैं। और बस हम लोग मंदिर में गए, दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पीछे की ओर ज़रूर जाना, जहाँ पे डेजर्ट है, कृषांग ने बहुत एंजॉय किया। तो बस अब नीचे चलते हैं, और अब हम रिटर्न में माउंट आबू जा रहे हैं। तो इस वीडियो का यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। हेलो बच्चे लोग, बच्चे लोग फुल एनर्जी के साथ नीचे जा रहे हैं। तेरा भी करना, तेरा मैं तेरा।